बहुत करीब आ गए हो तुम। समस्या में ही छुपा समाधान है। मेरे प्रिय बच्चे, खुद को उलझन रूपी भंवर में क्यों उलझा बैठे हो? क्या तुम्हें मुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं? क्या तुम स्वयं के समर्थन को भूल चुके हो? स्मरण करो, कितनी बार तुम्हें अपनी पराजय को विजय में परिवर्तित किया है। अपने समर्थन से दूसरों का दृष्टिकोण बदला है। मेरे प्रिय, तुम यह कैसे भूल गए? तुम दूसरों से प्रकाश लेने वाला दिया नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं वह प्रज्वलित प्रकाश हो जो दूसरों को रोशन करता है। फिर तुम किसी भी आलोचना से क्यों डरते हो? जब तुम्हारे लिए यह मार्ग स्वयं निर्धारित किया है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने कई विकल्प है। तुम्हारे समक्ष हर दिन नई चुनौतियां हैं, किंतु मेरे प्रिय, तुम्हें अपना संपूर्ण ध्यान समस्या पे नहीं अपितु समाधान पर केंद्रित करना चाहिए। फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, टिप्पणी करना तो मानव का मूल स्वभाव है, किंतु तुम अपने आप को भली भांति जानते हो। जो सूर्य पूरे संसार को जीवन प्रदान करता है, उसके अधिक तापमान पर होने पर मानव उस ईश्वर रूपी सूर्य की आलोचना करने से भी डरता नहीं। जब वही सूर्य शरद शत्रु में बादलों के बीच छुपा होता है, तब उसकी एक एक किरण के लिए मानव उससे प्रार्थना करते हुए भी उसकी आलोचना करता है। मेरे बच्चे, जब मानव जाति प्रकृति के मूल तत्व की आलोचना करना नहीं छोड़ता, तब तुम यह कैसे सोचते हो कि वह तुम्हारे विषय में नहीं बोलेंगे? जो व्यक्ति जितना ऊपर उठेगा, उसके विषय में उतनी ही अधिक आलोचना होगी। तुम अपनी मार्ग में आगे बढ़ रहे हो, अपनी शक्तियों को समझ रहे हो। तुम्हारा एक एक बढ़ता कदम तुम्हें तुम्हारे जीत की ओर ले जा रहा है। तुम आगे बढ़ रहे हो, किंतु तुम्हें इस बंधन रूपी आलोचना को ना देखते हुए उस सफलता को देखना है जो तुम्हें परमात्मा की ओर ले जा रहा है। तुम अपने भीतर छुपे अद्भुत गुणों को भूल रहे हो। तुमने सदैव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? जब तुम्हारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आई थी, तब तुमने किस प्रकार
अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। जब परिस्थितियों को पुनः ज्ञात करो जहां तुमने विजय हासिल किया था। अभी तो तुम्हें बहुत ही आगे तक जाना है मेरे प्रिय। जल्द ही वह समय भी प्रारंभ होगा जहां से तुम्हारी शक्ति की और जागृति की जाएगी। यहां महा जो आया है यह जागृति का ही महा है। तुम स्वयं को और जानने का प्रयास में लग जाओगे। एक आत्मा दूसरी आत्मा को शिक्षा देगी। यह शिक्षा आध्यात्मिक और दिव्य ज्ञान की है मेरे प्रिय। अपना एकाग्रता का और बढ़ाने की तुम्हें आवश्यकता है। जो शक्तियां तुम्हें प्राप्त होगा उसे धारण करने के लिए तुम्हें एकाग्र होना ही पड़ेगा। तुम जितना एक एक आग्रह होकर देखोगे उतना ही अपनी शक्तियों को महसूस कर पाओगे मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे जीवन का एक मूल्य उद्देश्य बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तुम जागृति की ओर बढ़ रहे हो, इसलिए अब तुम्हारा उत्तरदायित्व है उन आत्माओं को जागृत कराना जो परम ब्रह्मा को पुकार रही है किंतु उन्हें मार्ग नजर नहीं आ रहा। इसीलिए तुम किसी व्यक्ति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है किंतु अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा हजारों मील दूर बैठी आत्मा को ज्ञान दे सकते हो। इसीलिए एकाग्र चित्त होकर पवित्र आत्माओं से ज्ञान ग्रहण भी कर सकते हो। यह कार्य तुम्हें परम ब्रह्मा द्वारा तुम्हें दिया जा रहा है, इसीलिए ईश्वर की सेवा समझकर इसे करो मेरे बच्चे। इस तूफानी सागर से तुम्हें अकेले बाहर निकलना है, बल्कि उन सभी आत्माओं को निकालने का प्रयास करना है जो तुम्हारे इर्द-गिर्द है। क्या तुम मेरा यह कार्य करोगे ना? आगे का मार्ग तुम्हें बताया जाएगा। Type yes if you believe. Divine blessing. Yes, yes, yes. Thank you so much.